अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज कुछ चंद अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अपने ख्यालातों को हमेशा पाक रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर जो भी ख्यालात आते हैं, जहन में जो भी ख्यालात आते हैं, तो वो इंसान के अल्फाज बन जाते हैं। इसी तरह इंसान को अपने अल्फाज पे भी कंट्रोल होना चाहिए, अपने अल्फाज को भी की भी हफाज करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आमाल बन जाते हैं। और इंसान को अपने आमालों की हफाज करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे किरदार बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी ये कि अपने किरदार की हफाज करनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान में किरदार नहीं तो उसकी पहचान ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो किरदार हैं वो आपकी पहचान होती हैं। किसी अंग्रेज़ ने क्या खूब कहा है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। इफ़ वेल्थ यानी अगर सेहत ख़राब हो गई तो समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ योर करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, थैंक यू।